सो हेलो दोस्तों, की हाल है सारे का। मेरा नाम प्रवीण रखड़ा, तुम देख रहे हो ड्रॉप आउट वे। सो अज अपने नाल आ ललित भाई, तो अज आप गल कर रहे हैं भी सिंगापुर तुहानू आना चाहिए या नहीं, क्यों आना चाहिए थोनू, मतलब एज स्टूडेंट आना चाहिए या वर्क परमिट पर आना चाहिए, या भी इतने काम हैगा या नहीं, वो सारिया गलों बारे आप पुछा। सो पहले तो बई पुछते हैं बई, है ना, भी थोड़े हिसाब से की लगता भी स्टूडेंट को इतने आना चाहिए या नहीं कम के मामले, क्योंकि हरेक स्टूडेंट इतने काम नहीं आता, कोई इतने पढ़न का थोड़ा पता कोई नहीं आता, है ना, थोड़ा की लगता भी आना चाहिए या नहीं स्टूडेंट का। तो ये है उच्ची बोला, स्टूडेंट का तो ये है कि अगर स्टूडेंट को अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ तो वो आए, सीधी बात तो ये है। और ऊपर से यहाँ पे रूम का थोड़ा सा पंगा बड़ा ही रहता है, मतलब कि एक रूम के अंदर काफ़ी लोग रहते हैं, 17-18, तो उसके हिसाब से हमारे को एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा भाई, ये बताओ भी जब मैं आया था हमारे रूम में कितने जने रहते थे? बताओ, ये है उसके 22 पीपल। अरे ज़्यादा थे नहीं, साढ़े रूम से सीखे नहीं, जब मैं आई थी तो रूम च उदो कि थे टोटल उन्ने ज़्यादा सीखे ब्रो, मेरी 32 होने। तो थोनू जिम्मे हूँ इतने बई यार सारे कहते नहीं इतने काम नहीं है, काम नहीं है भी, वह गल सही है, इतने काम नहीं है, कम हूँ नहीं है, सच्ची गल तो यह है। पहले मैं जब आया था तो उस टाइम पे हमारे लिए सबके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि भी काम मिल जाता था, तो किसी न किसी के थ्रू हम बातचीत करके एजेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे एजेंट है काम दिलवाने के लिए भी, जिनको मतलब $10 पर आवर मिलता है और हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग $8 पर आवर, तो मतलब $2 की कमीशन खाता है एजेंट एक घंटे की, उसके हिसाब से हमारे को पैसे मिलते हैं। पहले काम था, पहले जब हम आए थे, मैं आया था लगभग 11 महीने पहले आया था मैं, तो एक हफ्ते मतलब आने के बाद तो आपको पता ही है इंडिया के हिसाब से दिल्ली लगता है यहाँ पे, तो फिर हमने थोड़ा सा औखा काटा एक हफ्ता, उसके बाद काम लग गया, फिर धीरे 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 सेटिंग हुई 32 लोगों के बीच में से, फिर हम कम होते गए। बट यह रहना बहुत मुश्किल हुआ, काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम जो इंडिया में रहते हैं वो लड़के काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले तो ये रहता है कि हम अपने पैसे पूरे करें उसके बाद कमाएं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। पहले बहुत काम था, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होगी, रूम पे रेट पड़ने लगी, हम तो खुद बाहर रह गए, हमने एक हफ़्ता निकाला है, बाहर सोए हैं, भाई भी साथ में था, बाहर सोए हैं, एक हफ्ता निकाला हमने, उसके बाद हम आए, हफ्ते से ज़्यादा टाइम निकला था, हफ्ते से ज़्यादा ही निकल गया था, तो उसी रिगार्डिंग स्टिकनेस ज़्यादा बढ़ गई। और काम पे भी जहाँ पे हम काम करते थे तो यहाँ पे अलाउड तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पीछे बंदा इलीगली थोड़ा बहुत कर लेता है, उस हिसाब से फिर हमने काम किया, बट इस टाइम पे काम बिल्कुल नहीं है, सब अपने घर पे बैठे हैं। ये तो है भाई, क्योंकि हमारे रूम में भी काफ़ी जने जिनके पास काम नहीं है, और बस और भाई यहाँ पे ऐसे भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, मेरे चक्कर बोल रहा ना भाई, इतने स्ट्रगल बहुत आ, हर चीज़ से स्ट्रगल है, इतने रहने भी स्ट्रगल आ, खाने से भी स्ट्रगल आ, काम च भी आ, मतलब हर चीज़ इतने स्ट्रगल नाल ही मिलती है, रूम मिलेगा भी स्ट्रगल ना मिलेगा, जे रूम मिल गया तो रूम च रहने की स्ट्रगल करनी पेगी, एडजस्टमेंट करनी पेगी, काम की सैटिंग करनी पेगी, सो यार सारी चीज़ें मैटर कर दी ने। बाकी ये भाई जे इतने आना तो अपने आप से यकीन करके आओ भी हाँ मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, क्योंकि भाई नूं पता जदों मैं इत्थे आई थी मैं एक गल कहिंदा हुंदा सी वी पैसे तां पूरे कर लैणे ने, बस पैसे पूरे हो जाण ते उस तों बाद सारी सैटिंग आपी हो जांदी आ। ते भाई यार एक गल होर आ, जिवें कोई बंदा 3 लाख लग आया, तुहानूं लगदा वी 6 OGT तों पहलां 3 लाख रुपये बंदा कमा लूगा, अपने पैसे पूरे कर लैंदा? अगर काम मिल गया तो 100%, अगर काम नहीं मिला तो कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे किस्मत के ऊपर बात होती है, काम मिलता है नहीं मिलता। अब और भाई एक बात और मेरी याद आ गई ना, मैं भूल जाऊँगा पूरा, पैसे मार लेते हैं क्या लोग यहाँ पे? पैसे मरते हैं, मेरे भी मरे और तुम्हारे कितने मरे? मेरे तो बहुत ज़्यादा मरे हैं, मैंने रूम के रिगार्डिंग भी अपने $400 खोए हैं और काम के रिगार्डिंग भी मैंने $500 खोए हैं। सो भाई एक गल हो रहा है, इतने पैसे मर जाते हैं, पैसे दब जाते हैं, लोग पैसे नहीं देते, वो चीज़ सच्ची हैगी है इतने, क्योंकि कई बार मैं वीडियो देखा तो कई बार लोग कहते हैं भी यह कुछ नहीं है, यह हैगी सिस्टम यार, इतने पैसे मरते ही ने,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਟਿਕਨੈਸ ਹੈ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਆਓ ਅਭੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਆ ਸੋ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।